आप सभी का स्वागत है ई आई प्रोस्क्रिप्शन में और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्रा हैं आखिर आप लोग को बेसब्री से इंतजार है कि आप लोग के जो रिजल्ट है वो कब तक जारी की जाएगी। आप लोग के जो एग्जाम है वो हो चुके हैं और एग्जाम हो जाने के बाद आप लोग को बेसब्री से इंतजार है अपने रिजल्ट का। तो आप लोग को इस वीडियो में पूरी बातें बताने वाले हैं कि आपके जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे और साथ ही जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आप लोग को किस तरह से चेक करना है वो सारी बातें आज आप लोग को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आप लोग यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देखकर परेशान ना हो, एक ही वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जितने भी छात्र छात्राएं पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो यहाँ पे देख लीजिए जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिजल्ट वाला, हमें इसी पे क्लिक कर देना है। और जब रिजल्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक फॉर रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2020-21, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक जो लास्ट जो रिजल्ट जारी किया गया था वो एमएससी बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर का जो कि 30 जून को जारी किया गया, उसके बाद से कोई भी रिजल्ट अभी यहाँ पे जारी नहीं हुए हैं। तो जब आप लोग के रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नंबर देना होगा, कैपेज कोड देके यहाँ पे सबमिट कर देना है और आप लोग के जो रिजल्ट कब तक आ रहे हैं वो भी सारी बातें आप लोग को बता देते हैं। तो ये तो सारी प्रोसेस हो गई आपको रिजल्ट चेक करने की। बाकी आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो 24 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे। अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से आप लोग के जो रिजल्ट होंगे वो 25 अगस्त से पहले ही जारी होने वाले हैं, सभी के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसी और भी अपडेट आती रहेंगी वो आप लोग को देते रहेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो 25 अगस्त से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बाकी आप लोग के जो भी सवाल हो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहें।